बड़े सम्मान के साथ जोरदार ये सभा में ताली बजा के आपन स्वागत करो। माननीय श्री ननकीराम कंवर जी ला आमंत्रित करा था उकर उद्बोधन पर। बोले कंवर समाज की, कंवर समाज की। भाई मोला ज्यादा बोले नहीं आए, इकली मैं क्षमा चाहता हूं। काम करे के जरूरत में आज निश्चित रूप से मिरी जी के नेतृत्व में जो आज सम्मेलन हुए बहुत बहुत स्वागत हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूं। कंवर समाज इतना बड़ा समाज है कि सचमुच में आज पूरा छत्तीसगढ़ का, पूरा मध्य प्रदेश के भी लोग आए हैं, दूसरे प्रदेश के लोग भी आए हैं। इससे निश्चित रूप से हम गौरवान्वित हैं। गौरव की बात है कि आज हमार आदिवासी क्षेत्र के होए के नाते अपन मुखिया प्रदेश के छत्तीसगढ़ के मुखिया बने और हम सब बनाए हैं, तो इकले गौरव की बात आज कुछ हो नहीं सके। मैं एक बात जरूर बोला था, अगर कंवर समाज नशाबंदी कर ले, मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, तो बहुत आगे बढ़ जाए। नशाबंदी अगर होते तो निश्चित रूप से व्यक्ति की अवर्धा भी बढ़ जाए। आज 70-80 साल का बहुत मुश्किल है आदमी मिलना। नशा के कारण 10 बीमारी, पागलपन दुनिया भर के होते। पिछले समय मैं जब गृह मंत्री रहे तो कोई गांव के बहनी मन नहीं बताई हो कि भाई नशा बंदी करना चाहिए। मोला बड़ा शर्म से कहवा पड़े कि भाई अब सरकार नहीं माने तो मैं अकेला तो नहीं मानू। और जैसे आज मन ताली बजाया है, निश्चित रूप से आप अपने तरफ से, जैसे मैं कंवर समाज के हो के नाते आप लग ताजुब हो ही, 5 कक्षा से दारू छोड़ रहा हूं, मतलब 5 कक्षा के पहले मैं पीता था प्राइमरी स्कूल में, और यहां बैठे हुए भी कुछ लोग हैं जो नशाबंदी के पक्ष में होंगे। तो मेरा एक निवेदन है, और मैं समझता हूं कि अगर समाज सर्वसम्मति से नहीं तो कुछ सम्मति से, कुछ भी व्यक्ति सम्मति से करते हैं तो नशाबंदी होना चाहिए। शायद मुख्यमंत्री जी इस संबंध में क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन नशा के कारण हमारा आदिवासी समाज आज नीचे गिरा हुआ है। उनका उम्र कम हो गया, और आपको ताजुब होगा, अब मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, अगर ये समाज नशाबंदी कर ले तो मैं समझता हूं कि इस आदिवासी कंवर समाज को कोई पीछे ढकेलेगा नहीं। जनसंख्या इतना है, बड़े बड़े मालगुजार जमींदार सब हमारे आदिवासी में हैं, लेकिन आज उनके यहां स्थिति आप जानते होंगे, मुझको बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं समाज से कि आप अपने ओर से, सरकार करे या ना करे, हम अपने ओर से क्या बोलते हैं, नशाबंदी करने। और अच्छी बात है, हमारे मुखिया इस प्रदेश के मुखिया हैं, वो करना चाहे तो करना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए, आदिवासियों के लिए करना चाहिए, जनहित के लिए करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। भैया आज ये बताइए, हमारी सरकार बनी है तो महिलाओं का योगदान आपको समझ में आता है नहीं? क्योंकि जिस घर में शराब बनता है उस घर में, जैसे बताया ना, 5वीं के पहले, मतलब शायद क्या बोलते हैं, पहली दूसरी में भी पीना शुरू कर दिया था, याद है मुझको। एक बार पिताजी बगल के मकान में पी रहे थे,
तो मैं पहुंच गया वहां भी, ले रे टोपी एक गिलास में आधा तो रहा होगा, गट गट मार दिया क्योंकि घर में चोरी से पीता था, तो वहां तो 5 प्रगट पीने के लिए दे रहे थे। बोले अरे मर जावे मर जावे, तो पिए बदे हस्त तो पिया था भाई। मतलब ये कहानी मुझको आज भी याद है, और भगवान राम की कथा सुनते सुनते हैं, रामायण पढ़ते पढ़ते, 5वीं कक्षा में जब हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो रामायण पढ़ते थे, सुधा सुराग सम साधु असाधु, साधु और असाधु जहर माना है गोस्वामी तुलसीदास ने, शराब को जहर माना है और दूध को अमृत, तो अमृत पियो ना भैया, दूध पियो, लेकिन आजकल तो गाय को भी पालना मुश्किल हो जाता है, काटना शुरू कर दिए। हमारे समय में आपको मालूम है कि इस प्रदेश से कहीं गौ वंश नहीं जाएगा, लेकिन आज भी तस्करी होता है गौ वंश का। भगवान की दया से न तो कोई अध्यक्ष इस विषय में सोचा होगा गौशाला का, गौ वंश को किस तरह से पालें। तो बंधुओं मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, चाहे कोई प्रदेश का आदिवासी माने न माने दूसरे प्रदेश का, हमारे प्रदेश में आदिवासियों को नशाबंदी होना चाहिए, ये निवेदन कर रहा हूं। ताली बज रहा है मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से, पिछले समय अब ये राजनीतिक बात हो जाएगी हैं, आपको ताजुब होगा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने नशाबंदी का ऐलान कर दिया, हम नहीं कर सकते क्या? लेकिन नहीं किया, और एक एप्लीकेशन में वहां कांग्रेसी दारू बेचता था सरकारी दुकान में, वो भी जेल में है ननकी राम के एप्लीकेशन से, और अभी उसमें पेपर में भी आया है आज कौन सा दैनिक भास्कर में, कितने लोग जेल जा रहे हैं। आईएएस अफसर कभी जेल नहीं गया था, ननकी राम के दरखास्त से ही जेल गया। बंधुओं मैं ज्यादा न बोलकर इतना ही निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री से, एक बार समाज के लिए, समाज का गौरव होने के नाते, समाज के हित के लिए आप नशाबंदी कर दीजिए। अभी मालूम है पिछले समय बतलाया ना, एक कांग्रेसी जेल गया है दारू बेचने के कारण, सरकारी दुकान में बेचता था, और बहुत से पुलिस वाले होंगे आदिवासी के घर में दारू पकड़ते थे, 50,000, 30,000, 40,000 लाओ तब हम छोड़ेंगे, और नहीं तो दारू बेचवाएंगे, यानी बीता हुआ। इसलिए मैं पिछले समय कसम खाया था, अगर ये सरकार नहीं बदली, सरकार नहीं बनी भाजपा की, तो मैं राजनीति नहीं करूंगा, क्योंकि आदिवासियों का भी दर्द दर्द दर देखा था। अरे आदिवासी को तो बनाने का छूट है जी, फिर बना रहा है तो क्या बोलते हैं, बेच रहा है करके आप पकड़ रहे हैं, बेचता नहीं था उसको भी पकड़े। अब ये यहां बोलने का मतलब है कि विषय में सरकारी अमला क्या कर सकता है, करना चाहिए। खैर अगर दारू बनाने की छूट है उसको बंद कर दो, काहे को आदिवासी दारू बनाएगा, कि आदिवासी को क्यों पकड़ा जाएगा। तो बंधुओं मैं बहुत संक्षिप्त में छोटा सा बात बतलाया, किसी भाइयों को अच्छा नहीं लगा होगा तो माफ करेंगे, धन्यवाद।